स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। डिस्कस करते हैं आज कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फोर। पार्ट फर्स्ट सेकंड में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, थर्ड में हमने डिकोडिंग किए थे, फोर्थ में मिसलिनियस क्वेश्चन है, देखते हैं क्या हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टायर्ड को 56, ब्रेन को 44, लेजी को क्या लिखा जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं क्या हुआ है। TIRED लिखा है 56, टी का कोड 20, आई का 9, आर का 18, ई का 5, डी का 4, सबके कोड हमने लिख लिए। हमने आपको बताया था कि कोड लिखने के बाद हम लोग पहले ऐड करके देखते हैं कि क्या हमारी रीजनिंग फॉलो हो रही है। जरा ऐड करते हैं, प्लस 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 प्लस, देखते हैं 9 यहाँ पे हमारा और 5 4 9, 9 9 18, 18 18 36, 36 20 आपका कितना हो जाएगा, जरा सा ऐड कीजिए, 36 20 आपका हो जाएगा 36 46, 56 56 आपका आ गया। अब आप ब्रेक में लगा के देखिए, बी आर ए आई एन, क्या यही रीजनिंग फॉलो हो रही है। 44, बी का 4 आपका 2 होता है, आर का 18, ए का 1, आई का 9 और एन का 14। देखिए 18 2 20 21 21 9 30 और 30 14 क्या हो जाएगा आपका 44। ऐड करने पर आपकी रीजनिंग क्या हो रही है, यहाँ पे फॉलो हो रही है, आपका आंसर आ रहा है। तो सेम लगा देंगे हम लोग लेजी में, एल ए जेड वाई, लेजी के लिए एल आपका 12 प्लस ए आपका 1, जेड आपका 26 प्लस वाई आपका 25, 26 प्लस 25 51, 1 ऐड हुआ 52, 52 में 12 ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 64। कोई ऑप्शन आपके सामने, ए ऑप्शन, ये क्या हो गया सही। तो इस प्रकार भी आपको देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, अगर लंदन को 24 30 28 8 30 28 लिखा जाता है तो फ्रांस को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग पहले लंदन लिख लेते हैं, एल ओ एन डी ओ एन, एल 12 आपका, ओ 15, एन 14, डी 4, ओ 15, एन 14। इधर हमारा क्या आया है 24 30 28 8 30 28। अब आप लोग देखिए जरा सर, एल हमारा 12 है, यहाँ पे कोड हमारा कितना लिखा हुआ 24, ओ हमारा 15 है, यहाँ पे है 30। तो हम देख रहे हैं कि हमारा दुगना यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 का दुगना यहाँ पे 24 लिखा है और 15 का दुगना यहाँ पे 30 लिखा है और 14 का दुगना यहाँ पे 28। मीन्स दो दो का मल्टीप्लाई हमारी रीजनिंग लग के फॉलो हुई है। तो हमारा जो फ्रांस है एफ आर ए एन सी ई, इसमें भी हम लोग इसके पहले नंबर लिखते हैं 6 18 1 14 3 5 और उसके बाद मल्टीप्लाई, 6 2 जा आपका 12 हो जाएगा, 18 2 जा 36, फिर 1 2 जा आपका 2, 14 2 जा 28 और 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। कोई ऐसा ऑप्शन आपके सामने, जरा देखिए 12 36, इसमें तो 10 है, 12 36 12 36, ये आपका सी ऑप्शन 12 36, ये क्या हो गया सही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, अगर दीप को 32 लिखा जाता है तो दीप का कोड क्या होगा, देखते हैं। डी ई ए एफ, 32 लिखा गया, डी का आपका कितना होता है 4, ई का 5, ए का 1, एफ का 6। पहला काम हमारा है ऐड करके चेक करना, करते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 5 9 1 10 6 16 और यहाँ पे है कितना आपका 32। आप देखते हैं आपका 16 यहाँ पे है 32, मीन्स जस्ट इसका दो गुना यहाँ पर क्या हुआ है लिखा गया है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि आपका ऐड करने पर ना आए तो मल्टीप्लाई करने पर आप आगे बढ़िए। इसी तरह हम देखते हैं लीप का कोड क्या होता है, तो एल का आपका 12, ई का आपका 5, एफ का आपका 6, एफ का आपका ए का है सॉरी ए 1, ए का 1 और एफ का 6। देखिए 12 5 17 17 18 18 6 आपका 24 24, आपका कोई यहाँ पे कोट नहीं है, जस्ट आप इसका दुगना जो आपने इसमें किया कितना आएगा 48। तो देख सकते हैं लीप का कोट 48, सी ऑप्शन ए ऑप्शन आपका क्या हो गया सही। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, अगर प्रताप पी आर ए टी ए पी, प्रताप का कोड आपका दे रखा है 16 18 01 20 01 16, तो नवीन का कोड क्या होगा। नंबर लिखते हैं पहले 16 18 1 20 1 16। अब आप देखिए 16 यहाँ पे था, 16 लिखा हुआ, 18 था, 18 लिखा है, 1 था तो यहाँ पे 01 हो गया है, फिर 20 हमारा सिंगल नहीं लिखा है, फिर 1 की जगह 01 लिखा है और लास्ट में 16 लिखा हुआ है।
क्वेश्चन में चेंजिंग यहाँ से आई है कि जो आपके दहाई के बाद के अंक है, मींस दहाई का मतलब इसमें इकाई दहाई दो है तो सिंगलली लिख दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन जिसमें केवल इकाई ही है उसके आगे हमने क्या लगा दिया है, जीरो लगा दिया है। तो ये समझने वाली चीज थी कि इस क्वेश्चन में हमारी रीजनिंग क्या लगी है कि आपका जो दहाई के अंक थे दो अंक थे सिमिलरली लिख दिए गए, लेकिन जिसमें एक अंक था उससे आगे हमने जीरो लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है देखते हैं, नवीन में लगा करके एन ए बी आई एन, एन का 14, ए का 1, बी का आपका 22, आई का आपका 9, एन का 14। करते हैं जरा, 14 है आपका तो 14 हो गया, एक था तो 01 होगा आपका, 22 है आपका 22, 9 है आपका तो 09, 14 14। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो देख सकते हैं आप कि 14 01 22 09 14 14। देखिए सिमिलरली देखिए ये भी लिख रखा था यहाँ पे आपके 14 1 22 9 14, लास्ट में जी आपके जीरो लगे हैं इन्होंने नहीं लगाया, जल्दबाजी में आप गलतियां कर सकते हैं, इसीलिए ध्यान दें कि बारीकी से रीजनिंग हमारी लगी क्या है, बहुत ही आसान होती है रीजनिंग, समझने की दिक्कत होती है कि क्या हाल लगा है। बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मिल रहा है, 14 01 22 J, बी ऑप्शन आपका क्या हो गया सही। अब आप इसे देखिए आगे आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपके सामने 4 क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन हम लोग नए टॉपिक के साथ। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइए।